अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी कोमल कामरान एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो यार मैंने अपने हाथ पे आँख पे हाथ इस वजह से रखा हुआ है क्योंकि मेरी आँख पे दाना हो रहा है यार। पता नहीं वो मोटी मोटी थी मेरी आँख हो गई, क्योंकि ईद आने वाली है ना तो मनुष्य पर दिखाने होते हैं। यार अभी तो इसका कुछ नहीं कर सकता है, मैंने ना अभी ट्यूब लगाई है। बस यार मैं बताऊँ क्या है कि ट्यूब लगा लो ना तो और ज़्यादा मेरी आँख मोटी हो जाती है। बस क्या ही अब कर सकते हैं हम। फिलहाल हम भेंगे हंधे क्या होता है, काड़े नंगड़े जो होता है बस वो हम लोग बन गए। और यार सेरी करने के बाद से जो मैं जगी हुई हूँ, अभी तक 6 बज गए, मैं जगी हुई ही हूँ। और ये देखो मैंने चुन्नी पुन्नी आँखें खोल ली। फिलहाल दुआ करना है इससे पहले मेरी सही हो जाए। उसके बाद भाई तुम लोग ये देखो, ये जो है ना मैं अपनी दोस्तों के लिए लेके आई थी, इयर रिंग गिफ्ट के तौर पे लेके आई थी। मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे परफ्यूम दिया है। इन लोगों को ये कब से मैंने ला के तो रख दिया था। मेरी 4 दोस्त है, 4 को देना है। और मैं ना इनको सजाने लगाने के लिए ना एक हमने एक देखा है, वो हम वो बना रहे हैं इतना मिनी सा प्यारा सा। देखो ये है कितना प्यारा लगा है। इसमें नादे कह रही है ये तो छोटा पड़ रहा है, तुम्हारी गलती है। ये तुमने दो शीट ला के लिए बना दिया तो नादे तुम खुद सोचती, इतना बड़ा बुंदे का साइज है और माशाल्लाह से इतना प्यारे इसने बनाया, वैसे छोटा बना दिया। खुदा जबकि एक नहीं बनाई हमने, ये देखो इतने सारे ये बनाए। हम लोगों ने सोचा था कि ये जो है ना एक एक करके इसके अंदर डालेंगे, पर मजा आ रहा है ये आ जाए, ये छोटा पड़ रहा है। इसमें नहीं आएगा, हम जो काम करें उसमें कांड ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिलहाल यार वो जो मिनी सा हम लोगों ने बनाया था वो तो हम लोगों को बना नहीं, छोटा पड़ा। हमने कहा भाड़ में बन बन नहीं रहा, आप सुबह देखेंगे। यार मुझे तो इतनी तेज़ नींद आने लग गई थी, मैं तो लेट गई थी। देख 7:45 हो गए अभी तक हम लोगों ने सोया। मैंने कहा मुझे नींद आ रही है, बस मुझे सोने दो यार, सब काम बाद में, पहले भाई सो जाओ। तो मैं सो गई थी। सो गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ पे मुझे अभी भी नींद आ रही थी कि बस अब फिलहाल मैं उठ उठ गई, क्योंकि और मैं पता है इतनी देर से उठी हूँ। ये देखो मेरी आँख का सूरत हाल कुछ इस तरीके का है। देखो मैंने कहा था ना मोटी हो जाती है ट्यूब लगाने के बाद, मोटी मोटी सी हो गई है। पता नहीं क्यों, पता नहीं चल रही, पर रियल में मोटी मोटी हो गई थी। अल्लाह जाने क्या ही होगा अब ईद को मेरा। फिलहाल उठने के साथ ही अभी मुझे सफाई लगानी है क्योंकि मुझे अपनी दोस्त के घर जाना है। तो यहाँ पे मैंने भी सफाई पूरी लगा ली थी। मैंने कहा जब ये जल्दी जल्दी काम करो क्योंकि दोस्त के घर जाना है अफ्ताह पार्टी उसकी, मतलब उसके यहाँ पर। और यार यहाँ पे देखो मैं तैयार भी हो गई। देखो हल्का फुल्का चुन्ना पुन्ना वाला मैंने मेकअप कर लिया। यहाँ पे सिर्फ मेरे बाल शरीफ रह गए जो कि अभी मैं बना लूँगी। तो तो मैं तैयार हो गई। यहाँ पे मैंने ब्लैक ड्रेस के पहना क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई ब्लैक थीम रखेंगे। तो मैंने सोचा भाई बाढ़ में जाओ मैं नहीं पहनी, फिर मैंने कहा नहीं यार चलो मैं पहन ही लेती हूँ। तो बाल तो मैंने बनाया नहीं, मैंने दुपट्टा बना लिया क्योंकि बाल बनाने में मुझे बहुत मौत आती है। जब कभी मैं बाल नहीं बनाती ना तो मैं दुपट्टा बांध लेती हूँ। फिलहाल यहाँ मैं तैयार शैर हो गई और यहाँ पे मैंने मंगाए थे रोल और समोसे क्योंकि हम लोग एक एक डिश लेके जा रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे मैंने इन लोगों के इयर रिंग भी रख लिया और चॉकलेट भी मंगाई थी। और ये जो हमने प्यारे प्यारे से बनाए थे ना, इसका हमने कुछ भी नहीं करा, इसको हमने बाढ़ में डाल दिया। फिलहाल मैंने इन लोगों के लिए चॉकलेट भी मंगवा ली। तो जी फिर मैं अपनी दोस्त के घर पे आ गई थी और यहाँ पे हम लोग भाई 4 दोस्तें थी। ये हम लोग का दस्तखान भी लगा हुआ है, बिल्कुल एंड टाइम पे आए थे हम लोग, बिल्कुल एंड टाइम पे। यहाँ पे मैं अपनी दोस्तों से सलाम करती हुई, वो बात अलग है रियल में कभी नहीं किया, कैमरा था इस वजह से कर रहे थे। जाते ही हमारी अजान हो गई थी और यहाँ पे हमने देखो खाने के बाद क्या हाल बना दिया। फिलहाल हम लोगों ने पैसे पकड़े क्योंकि हम लोगों ने सोचा था हल्की फुल्की अफ्तारी करेंगे और उसके बाद हम लोग बिरयानी ले आएंगे। तो ये बिरयानी के पैसे थे। यहाँ पे हमें एक आई थी कोल्ड ड्रिंक लेने, तो जी हमारे 100-200 बच गए थे। तो हमने कहा भाई हम ये भी क्यों बचाए, हमने कोल्ड ड्रिंक ले ली। कोल्ड ड्रिंक लेके हम लोग भाई घर पे आ गए और यहाँ पे बिरयानी शरीफ निकालते हुए। जल्दी बिल्कुल जल्दी स्पीड दिखा भाई, ये हमारी बच गई, हम लेके जा रहे हैं, हम छोड़ के अस्तगफर अल्लाह मुबशरा, इसको ऐसे ऐसे कर जैसे मैंने सेरी नहीं की। कान सेरी करते हैवान दो रुपए की बात है आपको, ये आपकी बात जो आप बोल रहे हो दो रुपए इस बात पैसे का चलन कर रहा नीचे नीचे भाई। एक मिनट में ना ऐसा भी कर रहे जिसको जो अच्छा लग रहा है ना वो वाला ले लेना।
मुझे तो ये अच्छा लग रहा है बसिए में। अरे चॉकलेट सारी दे रही मनु सोरा देगी चॉकलेट थी। मुझे बोला था जो अच्छा लग रहा है वो तुम्हारा। मतलब गुंडे जो अच्छे लग रहे हैं ना चॉकलेट दे। ठीक है अच्छा लग रहा है ना मैंने ले। ए शिमला हाथ से ले ले मैंने चॉकलेट रखो रखो चॉकलेट सारे के सारे रखो चॉकलेट। आप आ रही है गिफ्ट। तू आ रहा गिफ्ट दो। मारिया थी। तो जी ये मुझे एक और हमारे दोस्तों ने दिए, एक पारिया ने दिया था और एक हीरा ने दिया था। दोनों बहुत प्यारे ब्रेसलेट थे और यहाँ पे जो हमारी बिरयानी बच गई थी वो उठाते हुए भाई सब ने एक दूसरे को ईद के गिफ्ट दिए थे क्योंकि कल ईद है। चांद रात सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। हम लोगों को भी इसके घर में ही पता चला था और यहाँ पे हम लोग सारे खड़े हुए थे बस अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। और यार जब मैंने घर पे आके देखा तो यार नादिया ने देखा अपनी दोस्त के लिए इतनी प्यारी बास्केट बनवाई थी क्योंकि उसकी दोस्त ने किसी को देने के लिए बनवाई थी। और देखो कितनी प्यारी लग रही है। ये नादिया ने दो चीज़ों की बनाई थी बहुत बहुत प्यारी लग रही थी रियल में। और यहाँ पे मेरा सड़ा हुआ मुँह इस वजह से बना हुआ है क्योंकि यार चांद रात अचानक हो गई ना तो मेरी मम्मा यार हम लोगों को काम वाली बाई बना देती हैं तो बस मुझे काम करना था तो इस वजह से मेरा मुँह ऐसा बना हुआ है। तो जी मैं घर पर आ गई थी और मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए। और चांद रात तुम लोगों को बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। और मैं तुम लोगों को एक बात बताती हूँ, लोग चांद रात में ना अच्छे सवारते हैं सूट वगैरह बनाते हैं मेहंदी शहंदी लगवाते हैं और यहाँ हम काम वाली बाई बने हैं। अरे यार हम हमसे काम करवाएंगे चांद रात पे तो हम लोगों ने बना है मासी तो इस वजह से हमने पहन लिए अपने नाइट ड्रेस ताकि हम लोग काम कर सकें। माशाल्लाह लोग कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं। खैर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।